नमस्कार श्रोत्रिय, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। सेफई महोत्सव की तर्ज पर अब गोरखपुर महोत्सव। सेफई महोत्सव की तर्ज पर सीएम योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर में 3 दिन का महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। हालांकि गोरखपुर फेस्टिवल इस मायने में सेफई से अलग है, जहां सेफई महोत्सव यादव परिवार का पारिवारिक कार्यक्रम हुआ करता था, वहीं यह महोत्सव राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंदिर के प्रमुख भी हैं। यह महोत्सव शनिवार को खत्म हो रहा है। पूर्वी यूपी के शहर में यह अपनी तरह का पहला फेस्टिवल है। यह महोत्सव गुरुवार से शनिवार तक चलेगा। ट्रिपल तलाक पर अध्यादेश ला सकती है सरकार। एक बार में 3 तलाक पर रोक लगाने वाले बिल को राज्यसभा में पास कराने में सफल नहीं रही केंद्र सरकार, अब एक दूसरे रास्ते पर विचार कर रही है। मोदी सरकार एक बार में 3 तलाक को अपराध घोषित करने के लिए अब इस पर अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है। विपक्ष ने ट्रिपल तलाक बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग करते हुए इसे राज्यसभा से पास नहीं होने दिया था। बिल में आपराधिक प्रावधानों पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ महिला संगठनों को आपत्ति है। आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 7 फरवरी से। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन आईसीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की संभावित तिथि और कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। 12वीं की बोर्ड परीक्षा 7 फरवरी और 10वीं की बोर्ड परीक्षा 26 फरवरी से शुरू होगी। बोर्ड ने इसे संभावित बताते हुए कहा है कि विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम के अनुसार फेरबदल भी किया जा सकता है। 10वीं की परीक्षा 28 मार्च तक और 12वीं की परीक्षा 2 अप्रैल तक चलेगी। लाल किले पर हमले का आरोपी 17 साल बाद गिरफ्तार। गणतंत्र दिवस से महज 16 दिन पहले दिल्ली में लश्कर के एक खूंखार आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। यह आतंकी 17 साल पहले हुए लाल किले पर आतंकी हमले की साजिश में शामिल था। इसका नाम बिलाल अहमद कावा है। बिलाल को दिल्ली एयरपोर्ट से तब गिरफ्तार किया गया जब वह श्रीनगर से दिल्ली आ रहा था। गुजरात एटीएस ने बिलाल की श्रीनगर से दिल्ली आने की खबर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को दी थी, जिसके बाद इस आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब रुक करते हैं हमारे सहयोगी एकता शर्मा की तरफ। अंतरिक्ष में 104 सैटेलाइट भेजने वाले शिवन बने इसरो के चेयरमैन। केंद्र सरकार ने मशहूर वैज्ञानिक के शिवन को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। वह एएस किरण की जगह लेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने बुधवार को शिवन के नाम को मंजूरी दे दी है। किरण का कार्यकाल 14 जनवरी को पूरा होने जा रहा है। शिवन इससे पहले 104 सैटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष में भेजने में इसरो की मदद कर चुके हैं। शिवन इस समय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक हैं। अब आधार नहीं, देनी होगी वर्चुअल आईडी। आधार डेटा को और सुरक्षित करने के लिए UIDAI पुख्ता व्यवस्था करने की तैयारी में है। इसके लिए अब आधार की डिटेल देने के स्थान पर वर्चुअल आईडी दी जा सकेगी। इस तरह आधार डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। वर्चुअल आईडी की सुविधा 1 मार्च से मिलनी शुरू हो जाएगी और 1 जून से सभी एजेंसियों के लिए अनिवार्य हो जाएगा कि वह वर्चुअल आईडी को स्वीकार करें। वर्चुअल आईडी को कितनी बार ही जनरेट किया जा सकेगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एफडीआई से बढ़ेगा रोजगार। मोदी सरकार ने सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी ऑटोमेटिक रूट से निवेश को दी गई है। इसका मतलब यह है कि अब विदेशी कंपनियों को इन दोनों क्षेत्रों में निवेश के लिए केंद्र सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक से पहले अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने से घर खरीदना सस्ता हो सकता है और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। ट्रंप ने दे दिए यू टर्न के संकेत। पेरिस जलवायु समझौते में लौट सकता है अमेरिका। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले वर्ष पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका का नाम वापस लेकर सभी को चौंका दिया था, लेकिन अब अमेरिका ने इसमें वापसी के संकेत दिए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके देश के फिर से पेरिस जलवायु समझौते में शामिल होने की संभावनाएं हैं। ट्रंप ने कहा है कि इस समझौते से कोई दिक्कत नहीं है। अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम संभावित रूप से समझौते में फिर से शामिल हो सकते हैं। सहवाग बोले, टेस्ट सीरीज में भारत की वापसी की 30% ही उम्मीद।
पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि भारत के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वापसी की 30% ही उम्मीद है। 3 टेस्ट मैच की सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम को 72 रन से हार कर सामना करना पड़ा। सहवाग ने सुझाव दिया कि भारत को दूसरे टेस्ट में 6 बल्लेबाज और 4 तेज गेंदबाजों के साथ उतरना चाहिए। टीम में एक अतिरिक्त बल्लेबाज के रूप में अजिंक्य रहाणे को शामिल किया जा सकता है। कुछ भी हो जाए, ऐश की बात कभी नहीं मानेंगे अभिषेक। यह चर्चा जोरों पर रही है कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय जलसा छोड़कर अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। कहा जा रहा था कि ऐश अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती। वह अभिषेक को लंबे समय से अलग रहने के लिए कह रही हैं, लेकिन अभिषेक इसके लिए तैयार नहीं है। हाल ही में जब मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अभिषेक और ऐश्वर्या के शानदार फ्लैट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो फिर इस खबर को तूल मिल गया कि दोनों नए घर की ओर रुख करने वाले हैं। लेकिन अभिषेक अपने माता पिता से दूर रहने के बारे में सोच तक नहीं सकते। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। देखते रहें और सब्सक्राइब करें न्यूज़ लाइव।